आज मैं आप लोगों को प्लाजो और पैंट में कैसे इलास्टिक लगाते हैं ये लगाना बताऊंगी। ये देखिए पैंट है मेरा, इस पर हमको इलास्टिक लगाना है। देखिए कितनी जितनी आपकी कमर हो, आपके कमर की है लंबाई है चौड़ाई 36 इंच 32 इंच जो भी हो आपका, मान लो 40 है या 36 है या 32 है, कोई भी साइज हो, जो भी साइज हो, इलास्टिक लगाने में हमको 4 इंच घटाना पड़ता है, जिसमें कि मेरी लंबाई है कमर की 32 इंच, जिसमें हम 4 इंच घटा देंगे। 4 इंच घटाकर अब हमको देखिए इलास्टिक को इसे पूरी नाप करके 4 इंच घटाएंगे तो कितनी होगी 28 इंच। ऐसे सीधा नापते हुए इलास्टिक को हम 28 इंच अपना लंबाई का नाप लेंगे। देखिए यहाँ आता है 28 इंच। अब हम यहाँ से 28 इंच को कटिंग कर लें, कोई भी आपकी हो लंबाई, उसमें 4 इंच घटाना पड़ता है। इलास्टिक लगाने के लिए 4 इंच घटाना पड़ता है। ऐसे देखिए ये मैं इलास्टिक ले ली हूँ। अब इसको ऐसे हम फोल्ड करते हुए ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए मशीन पर ले जाएंगे और इस पर पूरी सिलाई लगा लेंगे। देखिए आधा इंच हम ऊपर से मोड़ते हुए इसको ऐसे रखते हुए, देखिए ऐसे पलटेंगे और इलास्टिक अंदर रखते हुए जहाँ से हमारी ये इलास्टिक की निशान लगी हुई है यहीं से अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे आएंगे और एकदम किनारे पर, ऐसे किनारे पर हम सिलाई लगाते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे पूरी और गोल गोल घुमाते जाएंगे। मैं लगाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ये मेरी इलास्टिक है, इसको ऐसे सीधा करते हुए, इलास्टिक को सीधा लेते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर हम मशीन पर ले जाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ ऐसे घुमाते हुए हम पूरी सिलाई लगा देंगे। देखिए ये पूरी ऐसे गोल गोल सिलाई लग गई, ऐसे इलास्टिक गोल हो जाएगी। इसके बाद अब हमको कैसे अटैच उसमें करना है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए अब पॉइंट उठाइए और एक तरफ से जहाँ से हमको मोड़ना है, ये सिलाई हुआ है जहाँ से, यहीं से रखते हुए, देखिए ये सिलाई जो हुआ है यहीं से अब हम रखेंगे इलास्टिक को, ऐसे ऐसे रखेंगे और ऊपर से आधा इंच मोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। देखिए मैं तो ऐसे ही लगा लेती लेकिन आप लोग को आसानी के लिए मैं बता दे रही हूँ, आपसे अगर नहीं हो पाता है, जिसे हो पाए वो ऐसे ही सिल ले, जिसको नहीं आता हो तो एक यहाँ पर पूरी सिलाई लगा ले, जैसे मैं लगाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ आपके समझने के लिए। देखिए मैं पूरी में ऐसे गोल गोल सिलाई लगा ली हूँ, ये दिखा रही हूँ आपको आसानी के लिए, जिसे ऐसे ही लगाना आता हो ऐसे ही लगा सकता है। देखिए आधे इंच मोड़कर मैं सिलाई लगा ली हूँ आपकी आसानी के लिए। ऐसे अब इसको मोड़कर हमको इस पर इलास्टिक रखना है। देखिए ऐसे सीधे इलास्टिक रखिए और इसके बाद ऐसे मोड़ते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। देखिए पकड़ते हुए अंदर मेरी इलास्टिक है और थोड़ा सा छोड़कर, थोड़ा सा देखिए इलास्टिक से एक्स्ट्रा थोड़ा सा 2 पॉइंट रहेगा। अब इस पर हम सीधा रखते हुए इसे सिलाई लगाते हैं। अब देखिए ये समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिए हमारी इलास्टिक कम हो गई। अब इसको हमको क्या करना है कि इसके तरफ से हम ऐसे खींचते रहेंगे, ऐसे खींच कर इलास्टिक को बढ़ाते रहेंगे, अंदर खींचते जाइए और इलास्टिक को बढ़ा लीजिए और फिर ऐसे ही पकड़ते हुए सिलाई लगाते जाइए। इलास्टिक नहीं दबना चाहिए, सिलाई लगाते जाइए। लग गई सिलाई, अब इसको हमको क्या करना है, पूरी इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए एक बराबर हम फैलाएंगे ताकि मेरा इलास्टिक बराबर बराबर कपड़े में बैठ जाए। ऐसे देखिए खींचते हुए बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद अब देखिए जहाँ से आप सिलाई लगाई हैं वहीं से बीच से, यहाँ से देखिए बीच से एक सिलाई लगाएंगी तभी ये इलास्टिक के ऊपर सिलाई चलेगा तो ये बैठ जाएगा। ऐसे बीच से सिलाई लगा देंगे तो बैठ जाएगा। कैसे लगाना है आपको बता रही हूँ। देखिए बीच से ऐसे सिलाई लगाते जाइए। कैसे लगाना है, ऐसे कपड़े को ऐसे खींचते रहिए। देखिए ऐसे फैलाते हुए सिलाई लगाते जाइए। देखिए ऐसे खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को ऐसे खींचते जाइए और सिलाई लगाते रहिए।
देखिए पूरी सिलाई लग गई और लास्टिक मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। ऐसे आप देख सकती हैं, देखिए कितना खूबसूरत ये लास्टिक लगा है। ऐसे अपने पजामे में या पैंट में जिसमें भी आपको लगाना है, कमर 4 इंच करके छोटा करके लास्टिक को ऐसे ही लगा लेना है। ऐसे लगाइए, मिलती हूँ अगले वीडियो में।